हेलो गाइस, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। मैंने यहाँ पे इनसाइट का प्राइमर लिया है, जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं आप वहाँ लगा लीजिए। एंड देन मैंने यहाँ पे फिटमे का फाउंडेशन लिया है, मैंने डॉट्स के शेप में लगाया है। सो आप इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दीजिए, मेक श्योर आपका ब्लेंडर डैब हो। और फिर आफ्टर दैट मैंने एक कंसीलर लिया है जो भी फिटमे का ही है, आप उसे अपने आई एरिया जहाँ भी आपको लाइटनिंग करना हो वहाँ पर कंसीलर लगा लीजिए। ये मैंने इस तरह से आईज़ के नीचे लगाया ताकि मुझे एक लिफ्ट अप यू नो लिफ्टिंग इफेक्ट मिले। सिमिलरली मैंने अपने ईयर लोब्स के एरिया पे लगाया है, एंड देन मैंने नोज़ पे भी लगाया बिकॉज एक थोड़ा सा यू नो जब हम कॉन्टोर करेंगे देन इट जस्ट ब्राइटन्स अप। सो बिकॉज हमें एक आई बेस सेट करना है, सो मैंने ये सिमिलर कंसीलर अपने आईज़ के ऊपर लगा लिया है, क्योंकि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका एक यू नो एक अच्छा सा बेस हो, सो दैट कलर्स जो भी आप लगाओगे वो उठ के आए। ओके, सो वंस दिस इज़ डन यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट यूजिंग योर ब्लेंडर। अगेन आपको अपने चेहरे पे मारना नहीं है, मेक श्योर यू डू इट वेरी लाइटली, अच्छे से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लूज पाउडर लगा रही हूँ बिकॉज हम स्मोकी आई लुक करने वाले हैं एंड कलर्स फॉल आउट हो सकते हैं, हमारा बेस ख़राब हो सकता है। सो यू कैन यूज़ दिस लूज पाउडर अंडर योर आई, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीक ईयर लोब के यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि इसे एक मस्त यू नो फ्लॉलेस बेस मिलेगा। एंड देन आई एम यूजिंग माय रिवॉल्यूशन पैलेट, एंड ये जो मैंने एकदम से लाइट ब्राउन का शेड लिया है, याद रखिए आपको अपना क्रीज बिल्डअप करना है, सो आपको बहुत ही लाइटर शेड में जाना है, तो ये जो शेड है वो सबके साथ जाता है मोस्टली। सो आप धीरे से हल्के हाथ से आप अपने ब्रश को एकदम पीछे से पकड़ेंगे एंड आप उसको सर्कुलर मोशन में आपकी जो क्रीज क्रीज एरिया है वहाँ पे आप इसे सर्कुलर मोशन पे घुमाइए। देन क्योंकि हम लोग ब्लू कलर करने वाले, तो मैंने एक वायलेट शेड लिया है और अपने एजेस को बिल्ड कर रही हूँ। यही होते हैं स्मोकी स्टेप्स, आप पहले क्रीज को आप एकदम लाइटेस्ट शेड से आप बिल्डअप करिए, देन आप अपने एजेस पे जो कलर का आई शेडो करने वाले हैं उसे अपने एज पे बिल्ड करिए। देन मैंने एक शिमरी ब्लू कलर लिया है जिसे मैं अपने इनर आई एरिया पे मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी, एंड देन यू जस्ट नीड टू यू नो प्लेस इट। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस यू नो लुक्स लुक राइट नाउ। एंड मेक श्योर जो भी आप कलर अपने आईज़ पे यूज़ किए हैं आप वो सेम कलर अपने वाटर लाइन के यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सो सॉरी फॉर द लाइट, आई डोंट नो ये एकदम नेचुरल लाइट था, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सो मैंने सिमिलर वायलेट कलर अपने इस पे लगा दिया, एंड देन आई हैव सेम कलर यू नो सेम कलर का काजल शुगर का, एंड देन आई एम जस्ट अप्लाइंग इन माय वाटर लाइन। सो वंस दैट इज़ डन आई कैन सिंपली टेक माय आईलाइनर व्हिच इज़ योर L18 आईलाइनर आई एम यूजिंग, और मैं थोड़ा सा यू नो विंग इफेक्ट दे रही हूँ। सो मुझे ऐसे लगा कि मुझे और यू नो अपने आउटर एरिया को डार्कन करना है, तो मैंने इसलिए काजल यूज़ किया। एंड देन द लास्ट स्टेप नॉट द लास्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को बिल्ड करना है, मुझे बहुत ही नेचुरल यू नो लुक पसंद है। सो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल लिया है जिससे मैं एकदम नेचुरल इफेक्ट मुझे मिलता है। सो योर आई एम अप्लाइंग इट इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। सो वंस दिस इज डन, मैं जितने भी एक्सेस लूज पाउडर है मैंने उसे रिमूव कर दिया है, तो आप देख सकते हो अभी तक बेस कैसा लग रहा है। बट एज आई सेड कि हम थोड़ा सा कॉन्टोर करने वाले, तो मैंने शुगर का कॉन्टोर पैलेट यूज़ किया है विच इज़ अ ब्रॉन्जर बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे अपने चीक्स पे थोड़ा सा कॉन्टोर लगा दिया ताकि एक ब्राउन इफेक्ट मिले। एंड सिमिलरली नाउ आई एम गोइंग फॉर द ब्लश। सो मैंने यहाँ पे एकदम लाइट पिंक का ब्लश यूज़ किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क ब्लश नहीं जाना है बिकॉज हमारा जो आँख है ऑलरेडी डार्क है। और मैंने यहाँ पे सिमिलर हाईलाइट यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का विच विल गिव अ वेरी शिमरी इफेक्ट। अगेन एज आई सेड कि यू नो बिकॉज आपकी आईज डार्क है मेक श्योर एवरीथिंग दैट यू डू इज़ लाइट। सो योर लिप्स में भी मैंने पिंक शेड में गई हूँ, तो मैंने स्विस ब्यूटी का एक लिप पेंसिल लिया है, नायका का मैंने लिपस्टिक लिया है जो मैं अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। सो या दैट्स इट गाइस, यहाँ पे मैंने आई लैशेज लगा के दिस इज़ हाउ माई फाइनल लुक्स लुक। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, कीप वॉचिंग।